नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है और लोगों को इस ठंड की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ठंड की वजह से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनके पास इस ठंड से बचाव के संसाधन नहीं हैं। ऐसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएँ लगातार काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बांदा के महुआ गाँव में संचालित वर्ल्ड स्नैप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैंपस में इंस्टीट्यूट की संचालिका शशि प्रजापति के आह्वान पर बांदा रोटी बैंक सोसाइटी और हेल्पिंग द माइनकाइंड कोविड 19 ग्रुप के संयुक्त प्रयास से ग्रामीणों को गर्म कपड़े और कंबल वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाओं और पुरुषों को साड़ी, शॉल, बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान महुआ बेटालाल श्रीवास शामिल रहे और उन्होंने दोनों ही संगठनों के इस कार्य की सराहना की है। मेरा नाम रिजवान अली है, मैं बांदा रोटी बैंक सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। रिजवान जी, आज यहां गांव में किस तरह का आयोजन था? आज असल में महुआ गांव से हमारे पास मांग आई थी, लोगों को कपड़ों और कंबल की ज़रूरत है, जिस पर आज हमने संयुक्त रूप से बांदा रोटी बैंक सोसाइटी और कोविड 19 माइनकाइंड ग्रुप के सहयोग से ये गर्म कपड़ों और जो है कंबल का वितरण किया, जिस पर महिलाओं को एक एक कंबल और जो है महिलाओं को शॉल, साड़ी और गर्म स्वेटर आदि जो है दिए। पुरुषों को जो है गर्म स्वेटर, जैकेट, जीन्स, टी शर्ट आदि जो है पुरुषों को दी गई। बच्चों को गर्म कपड़े दिए गए। इसके अलावा हमारी टीम के द्वारा उनको उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि हम लोग संस्था के द्वारा कैसे मदद करते हैं, कपड़े देकर, भोजन देकर, गरीब बच्चों की शादी करा के और कानूनी अधिकारों के प्रति उनको कैसे हम उनका सहयोग कर सकते हैं, ये भी हमने उन गांव वालों को बताया। उस पर उन्होंने हमारे टीम को आशीर्वाद दिया। आज हमारे साथ इस गांव के महुआ गांव के प्रधान बेटालाल श्रीवास जी और जो है एक आसरा संस्था यहां पर काफ़ी समय से काम कर रही है जिसकी संचालिका हैं शशि जी, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बराबर से सहयोगी रहीं। हमारी टीम के द्वारा और कोविड 19 माइनकाइंड ग्रुप के द्वारा ये सारा जो है सामान उन तक पहुँचाया गया। जी, मेरा नाम नदीम उल्ला खान है और मैं हेल्पिंग द माइनकाइंड कोविड 19 ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। ये हम लोग के पास शशि प्रजापति जी हैं, उनकी तरफ से डिमांड आई थी कि वहाँ कंबलों की ज़रूरत है और रोटी बैंक की तरफ से कपड़ों का इंतज़ाम हो गया था, तो हम लोग ने अपनी टीम से मशवरा किया। टीम से मशवरा करने के बाद हम लोग ने फैसला लिया कि वहाँ पे कंबल की ज़रूरत है, तो हम लोग ने तुरंत उस आह्वान पे तुरंत कंबल उपलब्ध कराने का कार्य किया ताकि वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को ठंड से बचाया जा सके इस सर्द मौसम में। इसी क्रम में हेल्पिंग द माइनकाइंड कोविड 19 ग्रुप और रोटी बैंक सोसाइटी के संयुक्त रूप से हम लोग ने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया और वहाँ पे गरीब ज़रूरतमंद लोगों को ग्रुप की तरफ से कंबल वितरण किए गए, रोटी बैंक सोसाइटी की तरफ से कपड़े वितरण किए गए और आगे भी इस तरह के आयोजन ग्रुप करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। कपड़े के अलावा भी जो है हम लोग राशन वितरण में भी काम करेंगे और लोगों को गरीब बच्चों की शादी में भी ग्रुप मदद करता चला आ रहा है। इसी क्रम में गाँव देहात में भी गरीब बच्चों की शादी में भी मदद की जाएगी। दवा इलाज में भी, अभी शहरी क्षेत्र में ग्रुप काम कर रहा था तो दवा इलाज में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो ज़रूरतमंद मरीज होंगे उनको भी आर्थिक सहायता हेल्पिंग द माइनकाइंड ग्रुप द्वारा दी जाने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटालाल श्रीवास, ग्राम प्रधान महुआ और अनुसूचित मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भाजपा का। महुआ ब्लॉक है और यहाँ जो है विद्यालय है। अब विद्यालय में कोविड 19 ग्रुप और रोटी बैंक के द्वारा कपड़ों का वितरण किया गया, बुजुर्गों को कंबल दिया गया, बच्चों को कपड़े दिए गए, स्वेटर दिए गए, जैकेट दिए गए। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया इन लोगों ने और चढ़ बढ़ के ये जितने आपके कार्यकर्ता हैं इन्होंने बहुत मेहनत करके बुजुर्गों को ओढ़ाया और उनको ठंडी में से बचाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।